बेस मॉडल रहने वाला है, ये है व्हाइट कलर में स्विफ्ट, एक अपनी सिल्वर रहने वाली है। फुल बेस टू टॉप ये दोनों गाड़ी अपनी। ट्रांसमिशन पट्टी चेंज कर दी, गियर नॉब चेंज कर दिया, स्टीयरिंग चेंज कर दिया, लगा दिया अपना ZXA प्लस का स्टीयरिंग, ZXA प्लस का मीटर। ने अलग से वेरिएंट की डोर पैनल जिसे हमने चेंज करके, मतलब ये हमने निकाल दिया एक तरीके से, चेंज करके ये अपनी ZXA प्लस की डोर पैनल लगा दिया। इसके अंदर DRL लगा दिया है प्रॉपर तरीके से, कवर चेंज करके इसके अंदर मिंडा का कवर लगा के, और ये देख रहे हो आप फॉग लाइट मिंडा का लगा दिया इसके अंदर। हमें LED नीचे 130 वोल्ट डाला है, ऊपर 200 वोल्ट LED डाला है। जैसे एक जादू दिखाता है जो कंपनी मारुति भी नहीं देती है, बेस मॉडल में नहीं आता। मशीन चेंज कर दी है, स्विच लगा दिए है, प्लेट चेंज कर दिया, ऐसा नहीं घाट कूट के जुगाड़ काम किया, जुगाड़ काम कुछ नहीं है। यहाँ इंडिकेटर लगा दिया है जिसके अंदर आपको इंडिकेटर इसके अंदर वर्किंग रहने वाला है, ऐसे नहीं इंडिकेटर वर्किंग नहीं है, इंडिकेटर वर्क करेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे ले होंगे। तो भाई आज दोबारा से लेकर आ गए अपनी स्विफ्ट की मॉडिफिकेशन, ये रहने वाली अपनी LXA वेरिएंट। देखो आज हमारे पास अपनी व्हाइट कलर आई है और उधर आपको दिख रही होगी अपनी सिल्वर कलर रहने वाला है। तो ये है बिल्कुल LXA वेरिएंट, इसे कन्वर्ट करने वाले हम अपनी प्रॉपर ZXI में। तो सारी चीज़ें अपनी पूछवाते हैं अतुल भाई से, इसमें हमने बेस शो करने के लिए क्या जेन्युइन पार्ट्स वगैरह लगाए अपने, और सारी चीज़ें अपनी मॉडिफिकेशन जो भी चीज़ लगाई पूछवाते हैं। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भैया। तो क्या लेकर आ गए आज अपना? बेस मॉडल रहने वाला है, ये है व्हाइट कलर में स्विफ्ट, एक अपनी सिल्वर रहने वाली है। फुल बेस टू टॉप ये दोनों गाड़ी अपनी, कुछ इसमें एक टू जेड आइटम इसके अंदर कवर किए, तो उसमें दो चार आइटम कम हुआ है। उसमें बेसिकली आइटम जो होता है रिक्वायरमेंट के लिए वो हमने उसके अंदर अपडेट किया, और इसके अंदर बेस टू टॉप जितने भी आइटम होता है सारा इसके अंदर हमने फुल पावर लगाया गाड़ी के अंदर। फ्रंट से बात हो रही है, फ्रंट से इसके अंदर हमने लगा दिया फॉग लाइट मिंडा का रहने वाला है, कवर चेंज कर दिया मारुति जेन्युइन वाला। इसके लिए हेडलाइट में हमने 200 वोल्ट की LED अपडेट कर दिया, नीचे 130 वोल्ट LED अपडेट कर दिया, फुल पावर रोशनी एकदम दमदार रहने वाली है रोड पे। और इसके अंदर हमने सेंटर RD का सेंटर लॉक लगा दिया, और जो हमने फॉग लाइट लगाया वो भी रिले के साथ लगाया है, जिसकी यहाँ पे आप रिले देख सकते हो, प्रॉपर कपलर टू कपलर रहने वाला है हर एक चीज़ इसके अंदर, प्रॉपर कपलर टू कपलर रहने वाला है, कोई भी आपकी कंपनी की वारंटी में दिक्कत नहीं आएगी, सारा काम जेन्युइन हुआ है गाड़ी। साइड में क्या चीज़ चेंजेस कर दिए अपने? साइड में भी इसके अंदर हमने इंडिकेटर लगा रहे हैं, आज मिरर चेंज नहीं करके हम इंडिकेटर लगा रहे हैं, और यहाँ पे लगा दिया फेंडर गार्निश, जो गाड़ी के अंदर अभी प्रोसेस चल रहा है। बाकी इसके अंदर अभी स्टीयरिंग कंट्रोल लग रहा है टॉप मॉडल वाली, स्टीयरिंग कंट्रोल का काम चल रहा है। यहाँ हमने टॉप मॉडल का भी मीटर चेंज कर दिया, स्टीयरिंग चेंज हो रहा है, स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग पूरी चेंज हो रही है। अच्छा, हां ये मतलब स्टीयरिंग जो है ZXA प्लस मारा है बिल्कुल, ये हब रहने वाला है, इसके अंदर हब डलेगा एक, और इसके अंदर अभी एक स्टीयरिंग मिलेगा, मैं वो भी आपको चेक करा देता हूं। डब्बा बैग जितने भी काम होगा, अभी अपने काउंटर पे डब्बा बैग होता है, डब्बा बैग ही रखता है यहाँ पे अपना। देखो कुछ अपना जो स्टीयरिंग का जो LXA वेरिएंट आता है उसे खोल के यहाँ पे ये वाला लग जाएगा अपना, ये देखो कुछ ऐसा आता है अपना ZXA प्लस का स्टीयरिंग, देखो ये यहाँ पे लग जाएगा अपना, भैया ने खोल दिया है। ये देखो हब रहने वाला, वो भी देखो मारुति जेन्युइन, किसी को अगर शक वगैरह होगी कोई लोकल माल या कुछ भी, कंपनी जाके चेक करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितने काम जेन्युइन हो रहा है नहीं हो रहा है कंपनी अपने डाउट क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं भैया। बाकी इसके अंदर हमने मिंडा का डैम्पिंग कर दिया अंदर, अब बाहर भी कर देंगे, और स्विच लगा दिया मारुति जेन्युइन, मारुति जेन्युइन रहने वाला है। और कुछ अपना साइड में लगे साइड बिडिंग, यहाँ पे देखो आप नोटिस कर रहे हो कंपनी से आ रहा है ये, और ये सब कंपनी, अच्छा ये अपना कंपनी से आ रहा है, जो आफ्टर मार्केट आता है उसमें आपको स्विफ्ट की बैचिंग में मिल जाएगी बिल्कुल भैया। और इसके अंदर जो हमने लगाया भी है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मीटर भी मारुति जेन्युइन इंस्टॉल किया है, और जितने भी कैची उची हटाए सब बाहर यहाँ पड़ी हुई है, डैम्पिंग पूरी चारों डोर में हो रही है प्रॉपर तरीके से, अंदर बाहर डबल लेयर के साथ। पीछे हम डिग्गी ओपनर लगा दिए, इसके अंदर लॉक अनलॉक प्रॉपर इसके अंदर वर्क करेगा आपका। आगे भी हम ब्लू पंखे कंपोनेंट डाल रहे हैं इसमें भैया की गाड़ी में, और पीछे हम एक्सल डाल रहे हैं जिसकी एक नंबर साउंड रहने वाली है, रिस्पॉन्स आपको मैं चेक करा दूंगा। और सिल्वर वाली गाड़ी के अंदर भी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें भी हमने भैया बाहर से मिंडा का फॉग लाइट लगा दिया कवर चेंज करके, और मेन ज्यादा काम इसके अंदर अंदर हुआ है, मैं आपको चेक करा दूं। टॉप मॉडल वाला पैनल लगा दिया है, स्विच जेन्युइन लगा दिया जिसकी वर्किंग मैं आपको चेक करा दूंगा जेन्युइन की। स्टीयरिंग टॉप मॉडल वाला लगा दिया, एंड्रॉइड लगा दिए हैं, चार स्पीकर लगा दिए आगे कंपोनेंट, पीछे कैक्सल JBL के रहने वाली, साउंड मैं आपको चेक करा दूंगा। नीचे हमने फ्लोरिंग नहीं किया, मैट डाल दिया, यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पट्टी चेंज कर दी, गियर नॉब चेंज कर दिया, स्टीयरिंग चेंज कर दिया, मीटर में चेंज नहीं करा ना ही इसमें अपना साइड मिरर चेंज करा, तो कुछ अपनी इसमें ऐसी मॉडिफिकेशन हुई है। आगे से अपना फॉग लैंप चेंज कर दिया, पीछे से अपना डिग्गी ओपनर लगा दिया, इसमें डिग्गी ओपनर भी दिखा देता हूँ मैं अपना, इसमें डिग्गी ओपनर इसमें अपना ये लगा दिया जिसकी अपनी फिटिंग रहने वाली है। इसमें लगे अपने JBL के अपने स्पीकर वगैरह, जिसमें कंपोनेंट को एक्सल रहने वाला है। तो अंदर इसमें डिस्प्ले कौन सी लगी है? अच्छा अच्छा, 32 रहने वाला, 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल रहने वाला, 1 ईयर वारंटी, और सारे रिपेयर चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और जो भी अपना मिला है जो LXA वेरिएंट में आता है, स्टीयरिंग अपना ये पैनल हो गया, तो सारी चीजें अपनी घर ले जा सकते हो आप, वो आपकी चॉइस है कि क्या करना चाहते हो, हमारा कोई वो यूज करनी है तो कोई वो वाली बात नहीं कि हम रख सकते हैं। तो दो दो गाड़ी अपनी हो रही है, सारा काम अपना
कम्प्लीट ही हो चुका है एक तरीके से, कम्प्लीट हो चुका है ये गाड़ी, हमारी फाइनली जा रही है और इस गाड़ी में भी टाइम लगे तो गाड़ी अपनी कम्प्लीट होने वाली है। बाकी काम आपके सामने रहने वाला है, रिस्पॉन्स आपके सामने, सीट को भैया ने लगवाई है, भैया का चॉइस है, कुछ दिन बाद और लगवाना है, बाकी सारा काम सारा जेनुइन हुआ। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है जो अपने पास आई थी, बेस मॉडल व्हाइट कलर की। तो इसमें भाई क्या क्या चेंजेस करा दोबारा एक बार बता देते हैं अपने व्यूअर्स को। भैया फ्रंट से हमारी जो गाड़ी आई थी बेस मॉडल आई थी और अब जो बन के जा रही है, आप खुद कमेंट में कैसे बताना, आप खुद कमेंट में बताना कैसा लग रहा है गाड़ी आपको, जो ZXi में कन्वर्ट हो गया गाड़ी अपनी। फ्रंट से बात करें, फ्रंट में हमने इसके अंदर DRL लगा दिया है प्रॉपर तरीके से, कवर चेंज करके इसके अंदर मिंडा का कवर लगा के, और ये देख रहे हो आप फॉगलाइट मिंडा का लगा दिया इसके अंदर। हमने LED नीचे 130 वोल्ट डाला है, ऊपर 200 वोल्ट LED डाला है। दोनों की रिप्लेस वारंटी रहेगी दो दो साल की, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है दो साल के बाद। अपना इसका थ्रो भी दिखा देते हैं, अपना फॉग लैंप और उसमें जो अपनी LED में LED इंस्टॉल हुई है इसका थ्रो दिखा देते हैं। एक बार फॉग लैंप दिखाते हैं, फॉग लैंप जल गया अपने, इसका थ्रो चेक करो भाई, अगर अपना इसका थ्रो चेक करो भाई अपना, ये फोग लैंप का थ्रो रहने वाला। अब मैं अपनी LED दिखा देता हूँ जो अपनी हेडलाइट में इंस्टॉल हुई है सारा, मतलब दोनों चीज़ों का थ्रो। तो देखो उसका कुछ ऐसा थ्रो रहने वाला है, डीपर मारना भाई, देखो डीपर पे ऐसा कुछ रहने वाला है अपना। फ्रंट से भी लुक देख सकते हो अपनी, और ये DRL अपनी फोग लैंप DRL लगी है देखो दोनों साइड, उधर भी इधर भी, इससे लुक हो गई अपनी एक नंबर। तो भाई और क्या क्या चीज़ चेंजेस हुई अपनी, और भी साइड प्रोफाइल में जो हमने इसके अंदर चेंजेस किया है, मिरर पे जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बॉडी पेंट हो जाएगा, तो बॉडी पेंट हमने करा के यहाँ इंडिकेटर लगा दिया है, जिसके अंदर आपको इंडिकेटर इसके अंदर वर्किंग रहने वाला है, ऐसे नहीं इंडिकेटर वर्किंग नहीं है, इंडिकेटर वर्क करेगा। फेंटर पे हमने इसके अंदर जो फेंटर इंडिकेटर आता है उसको हमने हटा के वहाँ पे लगा दिया गार्निश, जिसकी लुक आप चेक कर सकते हैं साइड। और ये अपना बेस मॉडल वाला ही है, इसमें बस अपना हटा के ये कवर लग जाता है और इसमें अपने इंडिकेटर लग जाता है, ये नहीं कि ये ऑटो फोल्ड रहने वाला, ऑटो फोल्ड नहीं है ये, अपना ऑटो फोल्ड भी मिल जाएगा अपनी शॉप पे, काफी सारी अवेलेबल मिल जाएगी आपको। यहाँ हमने बिल्कअप लगा दिया है, बिल्कअप की तो लुक आप चेक कर सकते हो साइड प्रोफाइल में। और यहाँ एक भाई अब लोअर गार्निश लगा रहे हैं, जिसकी मैं आपको उस तरफ से लुक दिखा दूंगा, इस तरफ अभी काम हो जाएगा। और इसके ऊपर भैया डोर वाइजर और साइड फिटिंग कंपनी से लगवा के आए थे भैया ने, शार्पिन एंटीना हमने छत पे लगा दिया है, शार्पिन एंटीना रहने वाला है इसका भी, अपना प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम। बिल्कुल भैया कुछ कहते हैं ना, नया तो नया हम ही करते हैं, जो शिफ्ट और डिजायर में खैर करते रहते हैं, ठीक है। रिवर्स में भी हमने इसके अंदर कैमरा लगा दिया है, जिसके अंदर कैमरा HD रहने वाला है प्रॉपर, हमने इसके अंदर बम्पर के नीचे डाल दिया है। और पीछे से एक जादू दिखाता हूं भाई, जो कंपनी मारुति भी नहीं देती है, बेस मॉडल में नहीं आता, मशीन चेंज कर दी है, स्विच लगा दी है, प्लेट चेंज कर दिया, ऐसा नहीं काट कूट के जुगाड़ काम किया, जुगाड़ काम कुछ नहीं किया, डिग्गी ओपनर रहने वाला अपना। और यहाँ पे जो भी देखो अपना अंदर इसमें इंटीरियर में जो भी चीज बेस टू टॉप करने के लिए चेंजेस हुई है, जो उतरी भी है अपनी Alexa Avant वाली, वो हमने अपने कस्टमर को वापस कर दी कि आप अपने घर ले जा सकते हो। चलते अंदर और दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज चेंजेस करी अपने बेस टू टॉप करने के लिए। तो भाई ये रहने वाली अपनी Alexa वेरिएंट की डोर पैनल, जिसे हमने चेंज करके, मतलब कि ये हमने निकाल दी एक तरीके से, चेंज करके ये अपनी ZXi प्लस की डोर पैनल लगा दिए, जिसमें आपको कुछ अपने स्विच वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे देखो अपना प्रॉपर वर्किंग के साथ। तो अतुल भाई अपने सारे स्विच वगैरह बताएंगे क्या, सारा काम जितने भी गाड़ी में कम्प्लीट टू कम्प्लीट काम हुआ है, अब प्रॉपर हर एक चीज की वर्क रहने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे कि ये भाई मारुति कहते हैं ना, जो हमारे पास कुछ नहीं मिलता है भाई, मैं कह रहा हूँ आफ्टर मार्केट में जितना काम हो जाता है ना गाड़ी में, उतना काम मारुति अगर करके दे दे तो भाई बहुत तरक्की पे जाएगी। और ये देखो वो तरक्की यहीं से दिख जाएगा आपको, एक स्विच में अपना ग्लास इसमें नीचे जाएगा, ऑटो लिख रखा है तो ऑटो करके भी देते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं और कहते हैं करके भी देते हैं, तो वो आपके सामने रहने वाला है। यहाँ मैनुअल चलेगा आपका, प्रॉपर मैनुअल चल रहा है, ठीक है। यहाँ आपका आगे पीछे सारी विंडो अपना प्रॉपर चलेगा, मशीन की स्पीड चेक कर सकते हो, मशीन की स्पीड आपको थोड़ा सा भी लैगिंग नहीं मिलेगी इसमें। और इसके अंदर विंडो के अंदर भी पीछे भी हमने पूरा पैनल चेंज कर दिया है, तो पूरा पैनल चेंज करते हैं। यहाँ अपना इनर हैंडल रहने वाला है, और यहाँ पे देखो आपको मैं एक चीज दिखा दूँ, वहाँ से अतुल भाई अपना लॉक करेंगे तो यहाँ पे अपनी कोई वर्किंग नहीं रहने वाली अपने इस ग्लास की। तो सारे स्विच वगैरह हमारी से मिल जाते हैं अपने ड्राइवर साइड पे, जो आप ड्राइवर पूरा यूज कर सकता है अपना, के बिना आज्ञा के ना परिंदा भी पर्दी मार सकता है, तो वही वाली बात है, आपके बिना इजाजत के कोई आपकी गाड़ी से उतर नहीं सकता है, अगर ज्यादा होशियारी करेगा तो यहाँ से लॉक कर देना भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये जादू आपको मिल जाता है इसके अंदर। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं इसमें क्या चीज चेंज करी अपनी बेस टू टॉप करने के लिए। तो अंदर बैठते ही नोटिस हो रहे हैं अपने 70 मैट्स, इसके नीचे रहने वाली अपनी फ्लोरिंग। भैया जो फ्लोरिंग का फायदा रहने वाला है गाड़ी के अंदर, हम कुछ खाते पीते हैं बैठते हैं गाड़ी में, उठते हैं, काफी चीजें होता है जो फैमिली के साथ बैठते उठते हैं तो गिर जाता है, कुछ खाते पीते हैं तो कंपनी का जो फ्लोरिंग होता है उसको बदबू आने लग जाता है, इसीलिए हम लोग फ्लोरिंग करते हैं, जिससे आपको ड्राई क्लीन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गीला कपड़ा मारिए साफ, तो वो काम हम अपनी गाड़ी में करके देते हैं, जिससे कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भाई आप गाड़ी को ड्राई क्लीन पे ले जाना, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना,
कहीं नहीं लेके जाना, खुद ही कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके ऊपर हमने 70 मैट डाल दिया जिसकी फिटिंग एक नंबर आने वाली है। उसके बाद लगा दिया अपना ZXA प्लस का स्टीयरिंग, ZXA प्लस का मीटर प्रॉपर। अब प्रॉपर फ्रेम के साथ फिटिंग आप चेक कर सकते हो। और यहाँ हमने जो डिजिटल मीटर लगाया ZXA प्लस के रहने वाला, यहाँ हीटिंग और यहाँ फिर दोनों चीज आपका प्रॉपर वर्क करेगा। हर एक चीज के अंदर कंट्रोल यहाँ आपको प्रॉपर वर्किंग मिल जाएगा। जो हमने ZXA प्लस की स्टीयरिंग चेंज कर दिया, जिन भाई का कंट्रोल चाहिए कंट्रोल भी अवेलेबल है। बाकी टॉप मॉडल में हम स्टीयरिंग सबसे ज्यादा चेंज करते हैं, जो क्वालिटी और चीज दोनों बढ़िया हो जाता है गाड़ी के लिए, तो ये हम सबसे ज्यादा चेंज कर रहे हैं। और हमने इसके अंदर गियर नॉब भी चेंज कर दिया है, कंपनी से आया था ये, हमने चेंज कर दिया ये वाला। कंपनी से कुछ ऐसा आता है अपना जो आफ्टर मार्केट एक तरह से ZXA प्लस का गियर नॉब कह लो, वो ये रहने वाला है अपना जो इसमें हमने लगा दिया है। यहाँ लगा दिया अपने डैशबोर्ड पट्टी। भाई साउंड सिस्टम में क्या रहने वाला अपना? भैया साउंड सिस्टम इसके अंदर जब हमने लगाया आगे कंपोनेंट, पीछे क्वेश्चन लगाया ब्लोपंग का, साउंड सिस्टम एक नंबर रहने वाला है। हमने टॉप मॉडल ट्विटर भी चेंज कर दिया, ट्विटर सिस्टम रहने वाला जाली वाला। और इसके बाद इसकी साउंड में आपको चेक कराता हूँ क्या रिस्पॉन्स अपनी गाड़ी का रहने वाला है। और एक चीज और बता दूं भाई, गाड़ी के अंदर जितने भी पार्ट लगा है, जैसे ये देख लो इनल हैंडल, टॉप मॉडल के पैनल जितने भी लगे हैं गाड़ी के अंदर, 20% ऑफ जेन्युइन दीपावली ऑफ जो हम बता रखे हैं वीडियो में, वो हम दे रहे हैं। तो क्वालिटी और चीज दोनों बढ़िया दे रहे हैं गाड़ी के अंदर। और जो हम ऑफर अभी तक निकाल रखे ऑफर भी दे रहे हैं, ऑफर भी लागू थे दीपावली तक लागू है। जितनी गाड़ी आप ला सकते हो क्वांटिटी के हिसाब से उतनी गाड़ी लेके आओ, फुल स्टॉक है, फुल पावर स्टॉक है, क्वालिटी और चीज दोनों बढ़िया है। और एक चीज हमने और किया गाड़ी के अंदर, डैम्पिंग किया भाई गाड़ी के अंदर चारों डोर में। जो हम अंदर बैठे हुए हैं गाड़ी आ रहा है जा रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है, क्योंकि वॉइस एकदम बिल्कुल वॉइस खत्म हो चुकी है। जैसे मैं भी आपके कहने पे देखो, मैं डोर खोल देता हूँ, ये देखो भाई बाहर की शोर और ये बंद हो गई। तो कुछ अपने यहाँ से फायदे मिल जाते हैं अपने आप को। और फिर अपना लास्ट आया साउंड, साउंड सुनाते थे एक बार कैसा साउंड में, स्पीकर वगैरह कौन से है? स्पीकर भी है इसके अंदर, हमने ब्लोपंग का लगाया आगे कंपोनेंट पीछे का एक्सल। साउंड तो रहने वाला अपना एक नंबर, फैमिली बेसिक हिसाब से जैसे हम बताते हैं कि फैमिली बेसिक है या कैसा है, ये फैमिली रहने वाला है, फैमिली साउंड रहने वाला है, बढ़िया साउंड रहने वाला है गाड़ी के अंदर। मेन बात है म्यूजिक सिस्टम जो हमने एंड्रॉइड लगाया है, वो भी हमने 432 के अंदर कारप्ले लगाया है, जैपल कारप्ले रहने वाला है। प्रॉपर तरीके से आपको जेनलिंक मिल जाएगा, जेनलिंक से प्रॉपर यहाँ से आप कनेक्ट वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी चीज आपको इसके हाँ, जिस बंदे पे अपना एप्पल वगैरह है तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो अपना, तो आपका एप्पल कारप्ले भी एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल भैया, फ्रंट एंड बैक कैमरा अगर आपको लगाना है तो फ्रंट एंड बैक कैमरा भी यहाँ चलेगा। अपना जो एडिशन का बैक कैमरा लगा उसकी वर्किंग भी दिखा देते हैं अपनी हम आपको। तो बैक कैमरे की कुछ ऐसी अपनी वर्किंग रहने वाली है एडिशन की, जो अपने इसमें लगा है HD रहने वाला है। तो हटाते हैं अपना ऐसा। और भाई इसमें बजट वगैरह क्या रहने वाला अपनी? पूरी बेस्ट टू टॉप हुई है इसमें, कुछ अपना रहा नहीं है, बस ऑटो फोल्ड नहीं लगाया, साइड में नहीं लगाया, हमने कवर चेंज कर दिया गाड़ी। हाँ, कवर चेंज कर दिया। तो क्या मोटा मोटा खर्चा भाई क्या रहने वाला इस गाड़ी में? जो खर्चा है गाड़ी के अंदर 80 से 85 हजार रुपए, 80 से 85 हजार में आपकी इस टाइप की बन जाएगी। तो चलते बाहर अपना फीडबैक दिवाते कस्टमर जो हमारी वीडियो देख आए। अपने भैया आए थे वीडियो देख के अपना बेस्ट टू टॉप कराने के लिए। तो भैया आज बेस्ट टू टॉप करा के ले जा रहे हो अपने LXA से ZXA में, तो काम कैसा लगा या यहाँ का बिहेवियर या कैसा डिस्काउंट वगैरह, कपलर टू कपलर सारी चीज बता दो कि कैसा रहने वाला यहाँ का काम? काम भाई एक नंबर है, गाड़ी बाहर खड़ी देख ली आपने, ये भाई एक नंबर बंदा है, सारा का सारा काम कपड़े टू कपड़े करा है, बढ़िया करा है। और भाई बहुत तमीज से बैठ कर बात करिए मेरे से। हाँ। और भाई आए हैं तो टाइम तो लगता है, टाइम तो लगता ही है, जाना 4-5 घंटे। हाँ। तसल्ली से आओगे तसल्ली से काम भी होगा। हाँ हाँ, मजा भी आएगा देखने में। वो ये कि पूरी गाड़ी खुलती है तो वो तसल्ली में काम होता है अपना, 4-5 घंटे लग ही जाते हैं अपना एक तरीके से। बढ़िया काम करा मैं, बाकी तो भाई हमारे इधर भी बैठे हुए। हाँ, मेरा नाम अर्जुन है, सौरभ भाई, साहिल। कहाँ से थे तीनों? गुड़गांव से आए थे अपना। कैसा लगा भैया काम? और हमारे भैया पहले भी आ गए थे अपना, सारी चीज पूछने की कैसा मतलब प्रोडक्ट रहने वाला, कैसा जो इसमें MG पार्ट्स लगा रहे हैं, सारी चीज आप पहले लिखवा के ले गए थे। मैं भैया ना मार्केट भी ट्राई किया था उस टाइम में आए थे, तो मार्केट के
कंपैरिजन के हिसाब से हमारा किस तरफ से रेट कैसा लगा आपको, रेट और प्राइसिंग? प्राइसिंग भी बढ़िया है, देखो प्राइसिंग से ज्यादा मैटर करता है बंदा बात कैसे करता है, ट्रीट कैसे करता है, वो बढ़िया था, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया पहली चीज तो। और उसके बाद प्राइसिंग में बाइक ही सही थी, अब वो तो थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे हर जगह चलता ही है, लेकिन वहां डिस्काउंट काफी अच्छा था, बाद में डिस्काउंट काफी अच्छा था। हां मेन चीज वो है, डिस्काउंट से भी ज्यादा मायने का रखता है हमारी गाड़ी, जो हमारे महीने भर की वेटिंग में लेते हैं और गाड़ी हमारी तैयार हुई है, मजा आ गया ना? मजा तो आ गया, डिस्काउंट ज्यादा मैटर करता है। वही वही तो 10 में से कितना देना चाहोगे आप ये बताइए भाई, 10 में से तुम 10 ले लो पूरे पूरे 10 में से 10 तो तुम कह रहे हो 10 में से दो। हाँ नहीं एक हम अपने लेयर है कि 10 है, फिर ऊपर कितने भी कह सकते हो ना, तो 10 में से 10 देना चाह रहे हो ऊपर 10 में से 9 नहीं है। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, कस्टमर फीडबैक भी दिवा दिया हमने आपको व्यूअर्स को, तो लमसम अपना बजट भी बता दिया, तो एड्रेस और नंबर क्या रहने वाला भाई अपना? एड्रेस रहने वाला है दिल्ली करोलबाग अब्दुल अजीज रोड पे, मेरा शॉप है A4 कार एक्सेसरी, एक बार बोर्ड भी दिखाते हैं भाई को कुछ अपना ऐसे रहने वाला है, नया कंप्लीट और कर रहे हैं गाड़ी के अंदर बोर्ड के अंदर। और उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला भी है 9911567100 मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो और चीज़ की लिस्ट ले सकते हो। प्राइसिंग क्वालिटी और गाड़ी तीनों आपको दिखा दी है, कस्टमर का रिव्यू फीडबैक दिखा दी है, काम और क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और बाकी एक बार आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, शॉप आपकी है, जब दिल करे आप आइए कॉल करके आइए, और ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई लोकेशन लेके आएंगे ना आप, तो आपको फाइनली आप मेरे से मिल सकते हैं, हर एक चीज़ आपको तसली से समझा सकता हूँ और दिखा जरूर ही सकता हूँ, क्योंकि भैया क्या होता है कई बार फ़ोन पे जो चीज़ नहीं बता पाऊँ उससे ज़्यादा मैं आपको सामने में दिखा दूंगा। तो एक बार आप आइए और मिलिए और पूरा काम कराइए नेक्स्ट लेवल, और गाड़ी जैसे अलग से आई थी और जड़क से बढ़ के जा रही है, उम्मीद करता हूँ दीपावली तक भाई आप लोग भी आओगे और उस परसेंट का 20% का मजे उठाओगे और गाड़ी बहुत बेनिफिट में कंप्लीट करा के जाओगे आप लोग। तो सारी चीज़ें अपनी बताई दी हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने भाई से कॉन्टैक्ट करो, वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाय।